हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बताने वाले हैं कि बॉलीवुड के टॉप 35 नए और पुराने अभिनेत्रियों का उम्र कितना है। जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में बताने वाले हैं कि बॉलीवुड के ये सभी अभिनेत्रियों का उम्र कितना है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, वीडियो के अंत तक बने रहिए। तो दोस्तों, बॉलीवुड अभिनेत्री के इस लिस्ट में सबसे पहला नाम आता है हेमा मालिनी का। जी हाँ दोस्तों, इस लिस्ट में सबसे पहला नाम आता है हेमा मालिनी का। तो बता दूं कि इनका जन्म 16 अगस्त 1948 को हुआ था, जिस कारण से इनका उम्र 73 वर्ष है। वही बात करें इस लिस्ट के नंबर दो की, तो इस लिस्ट में नंबर दो पे आते हैं 70 और 80 के दशक के मशहूर अभिनेत्री रेखा। तो बता दूं कि इनका जन्म 10 अक्टूबर 1954 को हुआ था, जिस कारण से इनका उम्र 67 वर्ष है। वही इस लिस्ट में नंबर तीन पे आते हैं जया प्रदा। जी हाँ दोस्तों, इस लिस्ट में नंबर तीन पे आते हैं जया प्रदा। तो बता दूं कि इनका जन्म 3 अप्रैल 1962 को हुआ था, जिस कारण से इनका उम्र 59 वर्ष है। वही बात करें नंबर चार की, तो इस लिस्ट में नंबर चार पे आते हैं मीनाक्षी सिसाद्री। जी हाँ दोस्तों, इस लिस्ट में नंबर चार पे आते हैं मीनाक्षी सिसाद्री। तो बता दूं कि इनका जन्म 16 नवंबर 1963 को हुआ था, जिस कारण से इनका उम्र 58 वर्ष है। वही इस लिस्ट के नंबर पाँच पे आती है माधुरी दीक्षित। जी हाँ दोस्तों, इस लिस्ट में नंबर पाँच पे आती है माधुरी दीक्षित। तो बता दूं कि इनका जन्म 5 मई 1967 को हुआ था, जिस कारण से इनका उम्र 54 वर्ष है। फिर वही इस लिस्ट में अब नंबर छः पे आती है जूही चावला। तो बता दूं कि इनका जन्म 13 नवंबर 1967 को हुआ था, जिस कारण से इनका भी उम्र 54 वर्ष है। वही नंबर सात पे आती है मनीषा कोइराला। तो बता दूं कि इनका जन्म 16 अगस्त 1970 को हुआ था, जिस कारण से इनका उम्र 51 वर्ष है। वही बात करें नंबर आठ की, तो इस लिस्ट में नंबर आठ पे आती है तब्बू। तो बता दूं कि इनका जन्म 4 नवंबर 1970 को हुआ था, जिस कारण से इनका भी उम्र 51 वर्ष है। अब वही इस लिस्ट में नंबर नौ पे आती है ऐश्वर्या राय। तो बता दूं कि इनका जन्म 1 नवंबर 1973 को हुआ था, जिस कारण से इनका उम्र 48 वर्ष है। वही नंबर दस पे आती है ट्विंकल खन्ना। तो बता दूं कि इनका जन्म 29 दिसंबर 1973 को हुआ था, जिस कारण से इनका भी उम्र 48 वर्ष है। वही इस लिस्ट में नंबर 11 पे आती है करिश्मा कपूर। तो बता दूं कि इनका जन्म 25 जून 1974 को हुआ था, जिस कारण से इनका उम्र 47 वर्ष है। फिर वही इस लिस्ट में नंबर 12 पे आती है रवीना टंडन। तो बता दूं कि इनका जन्म 28 अक्टूबर 1974 को हुआ था, जिस कारण से इनका भी उम्र 47 वर्ष है। फिर वही इस लिस्ट में नंबर 13 पे आती है काजोल। तो बता दूं कि इनका जन्म 5 अगस्त 1974 को हुआ था, जिस कारण से इनका भी उम्र 47 वर्ष है। वही नंबर 14 पे आती है प्रीति जिंटा। तो बता दूं कि इनका जन्म 31 जनवरी 1975 को हुआ था, जिस कारण से इनका उम्र 46 वर्ष है। वही नंबर 15 पे आती है शिल्पा शेट्टी। तो बता दूं कि इनका जन्म 8 जून 1975 को हुआ था, जिस कारण से इनका भी उम्र 46 वर्ष है। वही नंबर 16 पे आती है अमीषा पटेल। तो बता दूं कि इनका जन्म 9 जून 1976 को हुआ था, जिस कारण से इनका उम्र 45 वर्ष है। वही फिर नंबर 17 पे आती है रानी मुखर्जी। तो बता दूं कि इनका जन्म 21 मार्च 1978 को हुआ था, जिस कारण से इनका उम्र 43 वर्ष है। फिर वही नंबर 18 पे आती है भूमिका चावला। तो बता दूं कि इनका जन्म 21 अगस्त 1978 को हुआ था, जिस कारण से इनका भी उम्र 43 वर्ष है। फिर बात करें नंबर 19 की, तो इस लिस्ट में नंबर 19 पे आते हैं विद्या बालन। तो बता दूं कि इनका जन्म 1 जनवरी 1979 को हुआ था, जिस कारण से इनका उम्र 42 वर्ष है। वही बात करें नंबर 20 की, तो इस लिस्ट में नंबर 20 पे आते हैं बिपाशा बसु। तो बता दूं कि इनका जन्म 7 जनवरी 1979 को हुआ था, जिस कारण से इनका भी उम्र 42 वर्ष है। फिर बात करें नंबर 21 की, तो इस लिस्ट में नंबर 21 पे आते हैं करीना कपूर। तो बता दूं कि इनका जन्म 21 दिसंबर 1980 को हुआ था, जिस कारण से इनका उम्र 41 वर्ष है। फिर बात करें नंबर 22 की, तो इस लिस्ट में नंबर 22 पे आते हैं प्रियंका चोपड़ा। तो बता दूं कि इनका जन्म 8 जुलाई 1982 को हुआ था, जिस कारण से इनका उम्र 39 वर्ष है। तो फिर बात करें नंबर 23 की, तो इस लिस्ट में नंबर 23 पे आती है कैटरीना कैफ। तो बता दूं कि इनका जन्म 16 जुलाई 1983 को हुआ था, जिस कारण से इनका उम्र 38 वर्ष है। वही फिर बात करें नंबर 24 की, तो इस लिस्ट में नंबर 24 पे आती है जैकलिन। तो बता दूं कि इनका जन्म 11 अगस्त 1985 को हुआ था, जिस कारण से इनका उम्र 36 वर्ष है। फिर वही बात करें नंबर 25 की, तो इस लिस्ट में नंबर 25 पे आती है सोनम कपूर। तो बता दूं कि इनका जन्म 9 जून 1985 को हुआ था, जिस कारण से इनका भी उम्र 36 वर्ष है। फिर वही इस लिस्ट में नंबर 26 पे आती है दीपिका पादुकोण। तो बता दूं कि इनका जन्म 5 जनवरी 1986 को हुआ था, जिस कारण से इनका उम्र मात्र 35 वर्ष है। वही बात करें नंबर 27 की, तो इस लिस्ट में नंबर 27 पे आती है श्रद्धा कपूर। तो बता दूं कि इनका जन्म 3 मार्च 1987 को हुआ था, जिस कारण से इनका उम्र मात्र 34 वर्ष है। चलिए दोस्तों, अब वही बात करते हैं नंबर 28 की, तो इस लिस्ट में नंबर 28 पे आती है कंगना रनौत। तो बता दूं कि इनका जन्म 23 मार्च 1987 को हुआ था, जिस कारण से इनका भी उम्र मात्र 34 वर्ष है। तो वही फिर बात करें नंबर 29 की, तो इस लिस्ट में नंबर 29 पे आती है जरीन खान। तो बता दूं कि इनका जन्म 14 मई 1987 को हुआ था, जिस कारण से इनका भी उम्र 34 वर्ष है।
तो वही फिर बात करते हैं नंबर 30 की। तो इस लिस्ट में नंबर 30 पे आती है सोनाक्षी सिन्हा। तो बता दूं कि इनका जन्म 2 जून 1987 को हुआ था, जिस कारण से इनका भी उम्र 34 वर्ष है। फिर बात करें नंबर 31 की। तो इस लिस्ट में नंबर 31 पे आती है अनुष्का शर्मा। तो बता दूं कि इनका जन्म 1 मई 1988 को हुआ था, जिस कारण से इनका भी उम्र 33 वर्ष है। तो चलिए दोस्तों आप वही बात करते हैं नंबर 32 की। तो इस लिस्ट में नंबर 32 पे आती है यामी गौतम। तो बता दूं कि इनका जन्म 28 नवंबर 1988 को हुआ था, जिस कारण से इनका भी उम्र 33 वर्ष है। तो फिर वही इस लिस्ट में नंबर 33 पे आती है कृति सेनन। तो बता दूं कि इनका जन्म 27 जुलाई 1990 को हुआ था, जिस कारण से इनका उम्र 31 वर्ष है। तो आइए अब वही बात करते हैं नंबर 34 की। तो इस लिस्ट में नंबर 34 पे आती है दिशा पटानी। तो बता दूं कि इनका जन्म 13 जून 1992 को हुआ था, जिस कारण से इनका उम्र मात्र 29 वर्ष है। तो चलिए दोस्तों अब वही फिर बात करते हैं बॉलीवुड के टॉप 35 अभिनेत्री के इस लिस्ट में नंबर 35 की। तो इस लिस्ट में नंबर 35 पे आती है आलिया भट्ट। तो बता दूं कि इनका जन्म 15 मार्च 1993 को हुआ था, जिस कारण से इनका उम्र मात्र 28 वर्ष है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि हमारे द्वारा दी गई ये छोटी सी जानकारी आपको पसंद आई होगी। इसलिए वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि हमारे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।